संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का विस्तार करते हुए अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दो नए अस्पतालों का निर्माण होने जा रहा है, जिनका गुरुवार को शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के XCN अशोक रगनानी ने बताया कि जेलन अस्पताल में एक मेडिसिन ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत 35.70 करोड़ होगी। इस 8 मंजिला अस्पताल में 317 बेड, 7 जनरल वार्ड, 2 ICU और 20 डॉक्टर्स के चैम्बर बनाए जाएंगे। साथ ही 200 मरीजों के लिए प्रतीक्षालय भी निर्मित किया जाएगा। इसके अलावा पीडियाट्रिक ब्लॉक में 244 बेड का 6 मंजिला अस्पताल निर्मित किया जाना है, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है, जहां 100 कारें और 500 टू व्हीलर्स पार्क हो सकेंगे। इस निर्माण कार्य का पूरा टेंडर JCC इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, जो सरकार की ओर से तय समय सीमा में इस कार्य को पूरा करेंगे। जेएलएन अस्पताल में मेडिसिन ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है और पीडियाट्रिक ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। मेडिसिन ब्लॉक में 37.70 करोड़ से 8 मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 317 बेड का प्रोविज़न रहेगा, जिसमें 7 जनरल वार्ड बन रहे हैं, 2 ICU वार्ड हैं और 20 डॉक्टर्स के चैम्बर हैं, जिसमें करीब 200 पेशेंट वेटिंग का भी जगह है और पूरा वातानुकूलित रहेगा और फायर फाइटिंग का सिस्टम भी रखा गया है उसमें। आज हम इसका चालू करने जा रहे हैं तो उसका मुहूर्त कर रहे हैं, नीम का उसका आयोजन किया जा रहा है आज। और एक यहाँ पे पीडिया ब्लॉक भी बनेगा, जिसमें कि अभी पीडिया ब्लॉक में बहुत समस्या आती हैं, बच्चे एक ही पलंग पे 3-3 बच्चे रहते हैं। 244 बेड का हम और अतिरिक्त व्यवस्था करके एक हॉस्पिटल बना रहे हैं 6 मंजिला, जिसमें कि हाँ टेंडर किसको दिया गया? टेंडर JCC इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। हाँ जी, पार्किंग भी बनेगी इसके साथ, यहाँ पे पार्किंग में भी करीब करीब 100 तो करीब कार आ जाएगी और 400-500 करीब टू व्हीलर भी आ जाएंगे। अशोक रंगनाणी, XCN अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड।